क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म का क्या मतलब है, nth टर्म, an इज इक्वल टू हो गया 45, जिसे हम l से भी डिनोट करते हैं। एंड द सम इज 400, sn कितना दे रखा है 400, सम दे रखा है इन n टर्म्स का 400। तो हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस d को। इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म दे रखी है, sn दे रखे हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे sn का लास्ट टर्म वाला, तो ये होगा n by 2 a plus l। इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, sn है 400, n हमें इवेल्युएट करना है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 और लास्ट टर्म है 45। 400 इज इक्वल टू ये बना 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो n इंटू 25 इज इक्वल टू n, 25 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आपके पास डिवाइड में हो जाएगा। इसे कैंसल आउट कर लीजिए, पहले 5 से कर लीजिए कैंसल आउट, तो ये हमारे पास बन गया 80, अगेन से 5 से कीजिए 16, तो n की जो वैल्यू बनी है हमारे पास 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 16। और हमें कॉमन डिफरेंस और इवेल्युएट करना है, an दे रखा है, तो an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an है 45, a की वैल्यू है 5 प्लस n, n अभी हमने निकाला है कितना है 16 माइनस 1 d। इसको इस तरफ लाते हैं तो 45, ये इधर प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 15 d। वैल्यू बची 40 इज इक्वल टू d के साथ देखिए 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, दोनों नंबर्स 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू बनी है 8/3। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू बनी है 8/3। यही दो टर्म में हमें इवेल्युएट करनी थी।